नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात विक्रम वर्सेस केजरीवाल की करेंगे। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुपर ट्रेंडिंग है। इस इंटरव्यू को लाखों लोग देख चुके हैं। आपने इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से पर गौर किया होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी विक्रम के साथ सबसे ज्यादा सीटों से सरकार बनाएगी। विक्रम शब्द का अर्थ होता है वीरता, शक्ति, यानी कि पीएम का दावा है कि बीजेपी पराक्रम के साथ हैट्रिक मारने जा रही है। लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ ही घंटे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आते हैं और फिर उन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद सत्ता के गलियारों में विक्रम बनाम केजरीवाल पर बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस में क्या राहुल गांधी साइड होते दिख रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए विक्रम वर्सेस केजरीवाल। चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं। दो सौ बीस से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। तिहार के बाद इस दहाड़ के कई मायने हैं। भारत माता की। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अरविंद केजरीवाल ने 21 मिनट का भाषण दिया। इस 21 मिनट के भाषण में 24 का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर नरेंद्र मोदी फैक्टर को टारगेट किया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले, तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपटाएंगे। ये अमित शाह का पीएम बनना और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाना, इस परिकल्पना में आम आदमी पार्टी है ही नहीं। लेकिन फिर भी केजरीवाल बीजेपी के कद्दावर नाम गिनवाकर उन लोगों को असमंजस में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं। केजरीवाल के भाषण का पूरा एनालिसिस हम करेंगे। जो कोई बता नहीं पाया और कोई समझा नहीं पाया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर 2024 के चुनाव नतीजे को लेकर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे केजरीवाल समेत विपक्ष का हर नेता टेंशन में आ गया। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को चैलेंज देते हुए दावा किया कि 4 जून को बीजेपी इतिहास की सबसे बड़ी जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खत का दूसरा पॉपुलर लीडर देश में नहीं है, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा दावा किया। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल इस बयान के साथ बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। वो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को एक साल का पीएम बताकर अलग एजेंडा सेट करना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल के इस प्रयास को झटका दिया अमित शाह ने। और ये चौथा चरण जो
है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की और आगे बढ़ेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। अमित शाह ने क्लियर कट बोला कि अगर मोदी की हैट्रिक हुई तो 75 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो पीएम बने रहेंगे और जिस 4 जून को जिस विक्रम के साथ हैट्रिक की बात मोदी कर रहे हैं, अमित शाह ने अक्षरशः वही बात दोहराई। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल वाकई नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे या फिर उनके इस भाषण से बीजेपी को टेंशन हुई है। तो पहले अपना नैरेटिव सेट करने की चिंता करे, इसके लिए ज्यादा वो परेशान ना हो कि बीजेपी कौन सा नैरेटिव अपने लिए सेट करेगी और अमित शाह का क्या होगा और योगी कैसे बाहर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें तो बीजेपी का अपना मसला है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि वो इतनी बड़ी बातें ईमानदारी की, नैतिकता की, इन सब की इतनी बड़ी बातें करके आए हैं कि वो पहले इस वक्त जिस समस्या से जूझ रहे हैं पहले वो अपना नैरेटिव सेट करे। इसका कितना इम्पैक्ट होगा इसका निर्भर कर रहा है कैसे इसका जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब क्या आता है उसके ऊपर ही इसका आकलन हो सकता है, लेकिन चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा अभी से बोलना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में प्रभाव शायद नहीं भी हो सकता। योगी जी को हटाने का नैरेटिव देकर वो कुल मिला के जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसके उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं होपफुली रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की एक डर पैदा करके मुस्लिम तुष्टिकरण का एक नया फॉर्मेट भी प्रस्तुत किए। हनुमान मंदिर में दर्शन और माथे पर टीका लगाकर केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। पर्ची लिखकर दूसरे की सीट बता देने वाले केजरीवाल बीजेपी को 230 सीट दे रहे हैं, यानी बहुमत से 42 कम। आम आदमी पार्टी का जोश केजरीवाल ने हाइपरसोनिक स्पीड से बढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता और केजरीवाल के बीच की दूरी भी एक सस्पेंस है जिस पर न तो कांग्रेस बात कर रही है और न ही आम आदमी पार्टी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।